तो चलिए फिर जो है हम लोग ये वीडियो का जो कारण है वीडियो बनाने का वो स्टार्टअप को स्टार्ट यहाँ से करते हैं। बेसिकली हमको पहले प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ सीधा लिखना है कैम स्कैनर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ चुका है ये वाला लोगो, आप लोग देख लीजिए सी एस वाला, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सॉरी चला गया यहाँ से, हाँ ठीक है आ गया है। तो कैम स्कैनर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये ओपन होने के बाद ये ऐप्स ऑन हो रहा है। देखिए यहाँ पे इस इंटरफेस में आपको दिखा रहा है बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, तो मेरा जो पहले से स्कैन किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा नीचे देखिए एक ऑप्शन है कि कैमरे का साइन दिया हुआ है एकदम नीचे, ये वाला हिस्सा में, ये वाला हिस्से में आपको कैमरे को ऑन करना है, डॉक्यूमेंट को आपको हाथ में ले लेना है। रुकी मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने ये ले लिया और आपका सामने जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो हम लोग ले लेते हैं। एक सेकेंड, क्या डॉक्यूमेंट करें? हाँ चलिए, एक आधार ही आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए एक आधार मैंने ले लिया है और आपको याद रखना है, देखिए मेरे राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दो दो ब्लैक डैश आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो रात के टाइम आपको ये याद रखना चाहिए कि फ्लैश होना ज़रूरी है, अगर फ्लैश होता है तो अच्छा क्लियर आता है। और ये जगह पे आप कैमरे पकड़ने के बाद एक बार टच कर लीजिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट के बीचों बीच और आप खींच लीजिए इसका फोटो। ठीक है, और फोटो खींचने के बाद देखिए ये रोटेट हो गया और नीचे जो रोटेट वाला हिस्सा है, देखिए नीचे दो लेफ्ट और यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे देखिए जो रोटेट का ऑप्शन है, मैं इसके राइट में रोटेट कर देता हूँ। और ये साइज जो है बड़ा स्पेसिफिकेशन में आ गया है और इसको मैं अपना स्पेसिफाइड एरिया पे लेके आता हूँ। नीचे का ठीक कर दिया, चलिए ऊपर में भी ठीक कर दिया, राइट साइड में भी ठीक कर दिया और देखिए नीचे से थोड़ा इधर ठीक कर दिया, सेम लेफ्ट साइड में भी सेम थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे लीजिए अभी जो मेरा एरिया मेरे को चाहिए था वो हो गया और मैंने ये मेरा ओरिजिनल साइज हो गया। अभी एक बात बोलता हूँ कि दोस्त, जब भी कोई मुझे नया रिटेलर आईडी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आईडी के लिए डॉक्यूमेंट भेजेंगे, इसको मैं कहूँगा कि आप लोग जेरोक्स वाला कॉपी से स्कैन मत कीजिएगा, आप लोग खाली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन कीजिए। और अभी जो है लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप लोग मेरी इस बीप के नीचे, देखिए जो पहले से सिलेक्ट किया हुआ है ये जो है ये ओरिजिनल, ये ओरिजिनल में रहने देने के बाद आपको राइट साइड में जो ये राइट का बीप है इसको आपको क्लिक कर देना है। अगर इसको आप स्कैन करके रखना चाहते हैं कभी आपको ज़रूरत पड़े तो ब्लैक एंड व्हाइट में, तो आप यहाँ पे क्या कर मैजिक कलर भी ले सकते हैं। अगर मैजिक कलर लेंगे देखिए क्या होता है, एकदम से क्लियर हो जाता है। फिर ब्लैक एंड व्हाइट लेंगे और भी, ब्लैक एंड व्हाइट से अच्छा है कि आप लोग मैजिक कलर लें, मैजिक कलर ज़्यादा प्रेफरेबल है। मगर आप जब कोई कलर डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे इसको ओरिजिनल में ही रखेंगे। फिर राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करने के बाद ऊपर में देखिए ये जो शेयर का बटन है ये आ चुका है, ये वाला जो हिस्से में आप लोग शेयर देख रहे हैं, सिलेक्ट शेयर करेंगे और फिर इसको जेपीजी में मत भेजिएगा। जेपीजी में आप व्हाट्सएप में भेजेंगे, मेल करेंगे तो फिर ठीक है। अगर यहाँ पे ये तीन ऑप्शन देखिए पीडीएफ, जेपीजी, डॉक्यूमेंट लिंक, डॉक्यूमेंट लिंक, ओसीआर टेक्स्ट, नहीं कुछ नहीं करना है यहाँ पे, दो ही चीज़ में भेजना है अगर हो या पीडीएफ या इमेज। आपको याद रखना चाहिए जब भी कोई रिटेलर बनने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आप सेंड करेंगे आप इमेज सेंड कर सकते हैं जब आप ईमेल करेंगे, और पीडीएफ सेंड करेंगे तब जब आप व्हाट्सएप में सेंड करेंगे। तो मैं व्हाट्सएप में सेंड करने वाला हूँ, ये बहुत आसान तरीका है। तो कर लिया पीडीएफ और सिलेक्ट कर दिया व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप में जितने सारे लिस्ट है इनमें से आपको जिसको भी भेजना है उसको ये आपका जब डिस्प्ले में आ जाएगा सोच पकड़ के रखिए कि मैं इसको ही सेंड करूँगा और कर देता हूँ सेंड। ओके फाइन, देखिए चला गया यह डॉक्यूमेंट और यहाँ पे जो है पीडीएफ में जाएगा तो एक्चुअल साइज में जाएगा और इसमें कुछ ख़राब भी नहीं होगा। देखिए एकदम बढ़िया से चला गया, इसकी अभी सेम है, कोई मतलब कोई टूटेगा फूटेगा नहीं, बीच में फटेगा नहीं। तो यही प्रोसेस है, एक चीज़ ये हो गया एक। और दूसरा वाला मैं बताता हूँ, जब आप मुझे बहुत सारा डॉक्यूमेंट भेजेंगे, जैसे मैंने बोल दिया मुझे पैन कार्ड भेजिए, आधार कार्ड भेजिए, आपका फ़ोटो भेजिए, आप खींच के भी भेज सकते, इससे भेजना है फ़ोटो ऐसा नहीं है, तो आपके पास अगर पहले से है सेटल्ड आपकी कैम स्कैनर में तो आप भेज सकते हैं या फिर फोटो अलग से भेजिए। मगर जब दो तीन डॉक्यूमेंट जब आप एक साथ भेजेंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि सेम पेज में, ये पेज को बैक नहीं करना है, ठीक है, यही पेज खोलना है और सेम पेज में देखिए नीचे में कैमरे वाला ऑप्शन है, ये जो कैमरे वाला ऑप्शन है यहाँ पे, फिर मैं डॉक्यूमेंट को
इस साइज में ले लेता हूँ, और कैमरे को ऑन करके फिर मैं फ्रंट वाला साइज भी ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर दिया, मेरे को जितना चाहिए। ठीक है, और राइट क्लिक कर दिया तो हो गया। फिर राइट क्लिक कर दिया, ये देखिए डॉक्यूमेंट दोनों चीज़ एक साथ है, और मैं दोनों को एक साथ शेयर कर देता हूँ पीडीएफ में। तब क्या होगा कि दोनों है ना एक साथ जुड़ के पीडीएफ हो जाएगा। तो पैन कार्ड बनाने के लिए ये एक आसान तरीका है, यहाँ पे पीडीएफ जल्दी से बन जाता है, और मैंने सेंड भी कर दिया। देखिए डॉक्यूमेंट जब जाएगा तो दोनों पीडीएफ एक साथ जाएगा। ये देखिए ऊपर में देखिए दो पीडीएफ है, ये पहले वाला है, ये सेकंड वाला है, दोनों एक साथ जाता है। तो यही चीज़ है, जब आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग इस ऐप्स का इस्तेमाल ज़रूर करिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कैमरा है भेज दिया, ऐसा नहीं करना है। काफ़ी ख़राब डॉक्यूमेंट लोग भेज देते हैं, समझते नहीं है। मेरा वीडियो उसी के लिए है, मेरे उसी सारे डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो लोग रिटेलर से डॉक्यूमेंट लाते। आप लोग डॉक्यूमेंट लाने पे से पहले मेरा ये वीडियो आप इनको सेंड कर दीजिए, वो वीडियो आराम से देख लेगा, फिर ये आपको सेंड कर देगा। वीडियो देखने लास्ट फर्स्ट से अंत तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।